नमस्ते। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया स्टे रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब सेम वीडियो है बट आपको हिंदी में बताऊंगा कि हम स्टे रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास नंबर है, हम मैंने इधर वैसे बहुत सारे सिनेरियो सॉल्व करके रखे हुए हैं बट मैं आपको नए सिनेरियो में ले लेता हूँ। सपोज हमारे पास नंबर है 7744। अगर 744 नंबर है, हम देखेंगे 4 किसमें आता है, कौन से टेबल में 4 आता है। लास्ट में 8 का स्टी है और 8 2 का स्टी है, मतलब हमारा आ गया 2 या 8 आ गया। अब 77 देखेंगे किसके बीच में आता है, हमारा किसके बीच में आता है, 8 के बीच में आता है और 9 के बीच में आता है, तो हम क्या लिख देंगे इधर 8 छोटा वाला 8 + 1 9 हो गया, 9 × 8 72 हो गया, 72 इसके ऊपर लिख दिया। 77 बड़ा है या छोटा 72 से, 77 तो बड़ा है, तो हम क्या ले लेंगे, 8 तो लेना ही था हमने, तो जो लास्ट डिजिट है वो बड़ा वाला लेंगे, छोटा वाला नहीं लेंगे, तो हमारा आंसर हो गया 88। सिमिलरली मैं आपको एक नया सॉल्व करके देता हूँ। सपोज हमारे पास नया कोई भी ले लेते हैं नंबर 7056, फिर से दो हिस्सों में डिवाइड, 6 किस में आता है बताओ, 6 आता है इसमें, 6 में आता है और 4 में आता है, तो हमने ले लिया 4 ले लिया 6 ले लिया। अब 70 किस में आता है, अगेन 70 हमारा 8 और 9 के बीच में आता है, छोटा वाला लेंगे 8 आ गया, 8 + 1 9, 8 × 9 72, 70 तो इस बार छोटा निकला 72 से, अगर छोटा निकला तो हम छोटा वाला डिजिट लेंगे 84, तो 84 का स्टेयर क्या होगा 7056। अब एक 5 डिजिट नंबर ले लेते हैं 1 3 4 5 6, फिर से इसको दो भागों में डिवाइड, अब लास्ट डिजिट फिर से 6 है, 6 का क्या था 4 और 6 लास्ट में आता है, देख सकते हैं आप 6 कहाँ पर आता है, 6 का स्टेयर 36, 4 का स्टेयर 16, तो इसलिए मैंने क्या लिखा इधर 4 लिख दिया या 6 लिख दिया। 134 किस में आता है, किसके बीच में आता है, 134 121, ये 144 ये, इन दोनों के बीच में आता है, तो मतलब छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला कौन सा है 11, मतलब 114 और आंसर या 116 और आंसर, तो हम क्या करेंगे 11 + 1 12 11 × 12 132, मगर 134 तो हमारा बड़ा है, अगर 134 हमारा बड़ा है तो हम बड़ा वाला डिजिट लेंगे, मतलब 6 लेंगे, तो हमारा आंसर क्या बनेगा 116। ठीक है, तो इसी तरह 8 नंबर और ले लेते हैं, लास्ट नंबर आपके लिए 4489, सेम सिनेरियो, 9 कैसे आता है लास्ट डिजिट में, 8 आता है 7 में, 8 आता है 3 में, अगर 7 और 3 में आता है तो हम क्या करेंगे इधर 3 लिख लेंगे, 7 ले लेंगे, 44 किसके बीच में आता है, 44 तो किसी के बीच में आता होगा 36 और 49, मतलब छोटा वाला 6 का स्टेयर 36, तो 6 लेंगे हम, 6 ले लिया हमने तो आ गया 6, मतलब 63 आंसर हो रहा या 67 आंसर हो रहा, वो चेक करने के लिए क्या करते हैं हम +1 6 + 1 7 6 × 7 42, वो इसके ऊपर लिख लेते हैं, 44 बड़ा है 42 से या नहीं, 44 तो बड़ा निकला, जब 44 बड़ा निकला 42 से तो हम क्या नंबर लेंगे, बड़ा वाला नंबर लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 67। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको समझा पाया होगा और आपको अब कुछ ही समय में आप मतलब स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, आपको ना कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा इसमें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।